नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरजेड टीवी जनता की आवाज। आज फिर पूर्वी चंपारण पकड़ीदयाल प्रखंड के अंतर्गत सिसहनी चकई टोला में रविदास जी महाराज का जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया। और उसे भारतीय हमारे धर्म ग्रंथ जिसके बदौलत आज हम लोग ही नहीं पूरे भारत के धनी गरीब महिलाएं सभी धर्म मजहब को न्याय मिलता है। पूर्व में भी इसी संविधान के माध्यम से तालियों की गड़गड़ाहट से जरा सा आप लोग सम्मानित करें। और इतना जान लीजिए, अभी जितनी भी शादियां मूर्त हो रहे हैं आपको इसी संविधान प्रस्तावना के द्वारा हो रहा है। जितने भी हमारे प्रेमी के बंधु हैं, कृपया आप मंच पर या जहां हैं कृपया आप खड़ा हो जाएं और इस प्रस्तावना को बस बखूबी से आप सुने समझे। मेरा आग्रह है, एक बहुत बड़ी एक ताकत है, शक्ति है। इसी प्रस्तावना के बदौलत आज पूर्व में भी जितने भी हमारे जज हैं, जितने भी न्याय मिल रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म मजहब के हो, अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, दलित हो, अकलियत हो, सारे लोगों को इसी से ताकत मिलती है, इसी से न्याय मिलता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि संविधान प्रस्तावना को सहृदय से प्रार्थना करते हुए हमें अमल करते हुए इसे सुनने की कोशिश करेंगे। माननीय प्रोफेसर साहब आवे, चलिए आप एक हाथ को ऐसे करेंगे। अब हम प्रस्तावना यानी शपथ लेंगे कि अनुरूप इसके अनुरूप हमें चलने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे सब कोई, भारत का संविधान, प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उसकी उपासना तथा स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन इतवार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, धन्यवाद। चलिए अभी आपने संविधान की प्रस्तावना सुने हैं। एक बहुत सारे मार्मिक इसमें शब्द हैं। जितने भी हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, चाहे हमारे शिक्षक हो, जनप्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो, आप संविधान जरूर रखें, संविधान जरूर पढ़ें। आपका एक एक उसमें धारा, एक एक अनुच्छेद आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा अवलोकन एक ताकत मिलेगी। जब तक सर्वप्रथम हमारे मीडिया कर्मी मनोहर जी आ गए हैं, चंद्रिका बाबू आ गए हैं, ये कार्यक्रम आयोजकों की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भी हमारे मीडिया कर्मी आएंगे, उन्हें भी मेरा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अतः आप जिस संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, आप उन्हें देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे,
पुनः मैं स्मारित करता हूँ, प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति इस संविधान की एक प्रति, एक किताब को जरूर रखें, पढ़ें। आप बहुत सारे खर्च करते हैं, बहुत सारे आयोजन का कार्यक्रम करते हैं, मात्र 250, कम से कम 250 से लेकर आपको 1500 में आपको संविधान मिलता है, लेकिन आप जरूर रखें, तभी आप उसके धारा, अनुच्छेद, प्रतिलिपियां जो भी पढ़ेंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, उससे आपकी ताकत बनेगी, तभी आपको किसी को न्याय दिलाएंगे या दिलाने की कोशिश करेंगे। अब इस कार्यक्रम को